हेलो एवरीवन, कैसा काय। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम वैल्यू के बारे में। डैट मीन्स क्वेश्चन में अगर इक्विलिब्रियम पे किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, मोल्स क्या होगा, राइट, या प्रेशर क्या होंगे, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, इस टाइप के कोई भी प्रॉब्लम आएंगे तो उस प्रॉब्लम को आप हमारे ट्रिक्स एंड कंसेप्ट से बहुत इजीली कर लेंगे एंड करेक्टली भी। तो सबसे पहले हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। एक वो जहाँ पे ऑलरेडी आपको वैल्यू इक्विलिब्रियम पे गिवन होगी, तो इन दैट केस हमारा काम बहुत ईजी हो गया है, डायरेक्ट आपको इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में पुट कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक रिएक्शन है, राइट, और आपको इक्विलिब्रियम पे N2 का कंसंट्रेशन गिवन है, H2 का गिवन है, NH3 का, सबका गिवन है। ये कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन को पढ़ोगे उसमें क्लियरली मेंशन होगा एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ N2, H2, NH3 आर दिस। तो आपको KC का एक्सप्रेशन लिखना सिखा दिया है, वो वैल्यू को इसमें पुट कर देना, आपको वो आ जाएगा। अगर KP पूछा तो आप एक्सप्रेशन लिखना सीख गए हो, तो प्रेशर आपको गिवन होगा इक्विलिब्रियम पे, वो पुट कर देंगे। तो इसलिए इसमें तो ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली आप कर लोगे, बस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जब आपको वैल्यू एट इक्विलिब्रियम नहीं गिवन हो। तो उसमें फर्दर हमने दो कंडीशन बनाया है। तो सबसे पहला पॉइंट तो उसमें यही है कि अगर इक्विलिब्रियम पे वैल्यू नहीं गिवन है तो आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे वैल्यू को हर एक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, R एंड P मतलब एवरी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम पे क्या वैल्यू है, मोल्स का या कंसंट्रेशन का या प्रेशर का, वो आपको पहले निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो सिंपल ट्रिक है उसके लिए। ये मैंने एक रिएक्शन लिया है, राइट, अगर हो सकता है कि आपको A के मोल्स गिवन है और B के मोल्स गिवन है, राइट, आपको रिएक्टेंट का मोल्स गिवन है, प्रोडक्ट का क्वेश्चन में नहीं मेंशन है, मतलब क्या हो गया, 0-0। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, रिएक्टेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है इनिशियली, प्रोडक्ट के बारे में नहीं गिवन है, तो 0-0। और ध्यान रहे ये मोल्स है, आपको एक स्टेप करने आना चाहिए, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही ट्रिक का पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम पे आप इस टाइप से लिख देंगे। और कैसे लिखेंगे, वेरी सिंपल, जो भी मोल्स गिवन है आपको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के, उसके अकॉर्डिंग पहले पता करें रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिएक्टेंट है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, अगर मान लो प्रोडक्ट के गिवन होते तो रिएक्शन बैकवर्ड में आती, राइट, डायरेक्शन पहले पता कर लेना है। चूँकि अब ये फॉरवर्ड में जाएगी तो रिएक्टेंट कम होंगे, प्रोडक्ट बनेंगे, तो इसलिए हमने रिएक्टेंट के ए मोल्स में से एक्स मोल माइनस किया, लेकिन उसके आगे 2 क्यों लगाया, जो स्टोइकोमेट्री होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना उसके साथ, ट्रिक का एक पॉइंट है। तो ए माइनस 2x, यहाँ पे स्टोइकोमेट्री 1 था तो इसलिए बी माइनस एक्स, रिएक्टेंट है तो माइनस किया, प्रोडक्ट है तो बनेंगे, कॉफिशियंट क्या है 3, तो इसलिए 3 टाइम्स ऑफ x, x मानना है कि रिएक्ट हुआ और जो जो स्टोइकोमेट्री होगी वो मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, यहाँ पे स्टोइकोमेट्री 1 है तो सिर्फ क्या हो जाएगा x। ये जो आपने लिखा है ये कहाँ पे लिखा है, इक्विलिब्रियम पे, ये आपको एक बार लिखने आना चाहिए, ये आपको लिख लेना। अब इसमें अननोन कौन हो गया, x, क्योंकि ए भी तो आपको गिवन होगा, x कैसे निकालेंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगा, कैसे, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज दिस, तो आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ लेना है, उसको इक्वेट कर देना उस वैल्यू से, तो अननोन आ जाएगा। या फिर दे सकता है कि k इक्विलिब्रियम की वैल्यू ये है, तो आपको एक्सप्रेशन लिखना आ गया, उसको पुट करके अननोन आ जाएगा। या फिर रिलेशन दे देगा कि a का मोल्स और d का मोल्स जो है इक्विलिब्रियम पे सेम है या 2 times है इस टाइप का, तो वहाँ से निकाल सकते हैं। या इतना परसेंट रिएक्टेंट रिएक्ट हुआ है या प्रोडक्ट फाउंड हुआ है, तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि ये अननोन निकालने के लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगा जिससे आप एक्स निकाल लेंगे। तो मेन पॉइंट इज कि ये आपको लिखना चाहिए और वेरी सिंपल है, जो मोल्स है माइनस आपको स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग एक्स कर देना है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, राइट। दूसरा क्या हो सकता है कि आपको हर एक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मोल्स गिवन हो, राइट, जैसे कि इस केस में सबका गिवन है आपको, राइट। अब आपको इक्विलिब्रियम पे कैसे लिखना है, अगर सपोज करो कि ये क्वेश्चन गिवन है, तो सबसे पहले अगेन आपको पता करना पड़ेगा कि रिएक्शन की डायरेक्शन किधर है। डायरेक्शन के बारे में फुल आइडिया दे रखा हूँ, चूँकि सबके आपको गिवन है कंसंट्रेशन या मोल्स, तो आप क्या करेंगे, क्यू निकाल लेंगे और क्यू को के इक्विलिब्रियम से कंपेयर करते हैं, राइट, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में। तो डायरेक्शन के बारे में आपको क्लियर है, मैं अभी इस क्वेश्चन में सपोज कर रहा हूँ कि रिएक्शन बैक में जा रही है, तो बैक में जा रही है तो ये धीरे धीरे कम होंगे, ये रिएक्ट होंगे और ये फॉर्म्ड होंगे, तो इसलिए इधर से माइनस करना पड़ेगा। तो डी में से मैंने एक्स किया, वैसे ही बिल्कुल, और एक्स क्यों, क्योंकि स्टोइकोमेट्री 1 है। फिर सी में से 3x करना पड़ेगा, 3 क्यों, क्योंकि स्टोइकोमेट्री 3 है। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करने जरूरत है।
बी में आपको बी था और एक्स क्यों, क्योंकि फॉर्म होंगे और वन है इसका स्टॉइकोमेट्री यहाँ पे, और ए में टू एक्स क्यों, क्योंकि स्टॉइकोमेट्री टू है। तो वेरी सिंपल है, ये आपको लिखने आना चाहिए, यही ट्रिक का पॉइंट है और वेरी सिंपल है। एक बार रिएक्शन की डायरेक्शन पता लग गई आपको तो उसके अकॉर्डिंग रिएक्टेंट में माइनस कर दो एंड प्रोडक्ट में प्लस, और कितना करना है तो एक्स करते हुए चले जाना और जो स्टॉइकोमेट्री हो उसको मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना। तो यहाँ तक आप लिख लेंगे, अगेन ये क्रम की वैल्यू आ गई। अब अगेन इसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगा। नाउ इस टाइप के रिएक्शन का केसी आप कैसे लिखेंगे, तो वेरी सिंपल है, उसके लिए ट्रिक्स ध्यान से देखो। आपको क्या करना, ऑलवेज मोल्स के टर्म में लिख लेना उसका। तो ध्यान से देखो, केसी क्या होता है, ऑलवेज प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो कंसर्न मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डी माइनस एक्स पावर वन, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अगेन सी का तो सी माइनस थ्री एक्स पावर थ्री स्टॉइकोमेट्री डिवाइडेड बाय बी का बी प्लस एक्स और ए का ए प्लस टू एक्स पावर टू, पावर टू करना नहीं भूलेंगे, राइट। तो ये मोल्स के टर्म में ऑलवेज आपको लिख लेना है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। ऑलवेज मोल्स के टर्म में लिख करके, अब अगर केसी है तो कंसंट्रेशन होगा, तो मोल्स बाय वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन, तो इसलिए वन बाय वॉल्यूम की पावर डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी आपको निकालना बता रखा हूँ। जैसे इस रिएक्शन में अगर मैं डेल्टा एन जी की बात करूँ तो अभी कुछ नहीं मेंशन है, तो सब गैस है, तो प्रोडक्ट में वन और थ्री फोर हो गया, माइनस रिएक्टेंट में वन और टू थ्री हो गया, तो आपको कितना आ जाएगा वन। डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए फार्मूला को बता रखा हूँ। स्टॉइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लेना है प्रोडक्ट का, कौन सा वाला, सिर्फ गैस वाला, ये ध्यान रखना है, सबको ऐड कर लेना है। वैसे ही रिएक्टेंट में जितने भी गैस वाले हैं उन सबको ऐड कर लेना है और प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस कर देना है, तो डेल्टा एन जी आ जाएगा। तो ऑलवेज चाहे मुझे के सी लिखना हो या फिर के पी लिखना हो तो भी वही करना है, के पी भी लिखना हो तो मोल्स के टर्म में लिख लेना। ये पूरी वैल्यू को मैंने जेड मान लिया, राइट, मोल्स के टर्म में, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें एज इट इज आ जाएंगी। ऑलवेज मोल्स के टर्म में लिखना है, और चूंकि प्रेशर क्या होता है, मोल बाय टोटल मोल से मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, इसलिए पी बाय एन टी, पी टोटल प्रेशर है ध्यान दें, और एन टी भी टोटल मोल से की पावर होल पावर डेल्टा एन जी। तो ऑलवेज के पी भी लिखेंगे तो हम डायरेक्ट मोल्स के टर्म में लिख करके पी बाय एन टी की पावर डेल्टा एन जी कर देंगे। वैसे ही मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी लिखना हो तो भी वही सेम काम, मोल्स के टर्म में लिख करके आप आगे का वैल्यू, और चूंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, गिवन मोल्स बाय टोटल मोल्स, तो इसलिए टोटल मोल्स वन बाय एन टी की पावर डेल्टा एन जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, चाहे के सी लिखना हो, के पी या के एक्स, मोल्स के टर्म में लिखेंगे, मोल्स के टर्म में कैसे लिखेंगे वो समझा दिया, उसको लिखने के बाद आप ये वैल्यू को एडजस्ट कर देंगे। डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे वो बता दिया। तो यहाँ से एक पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि अगर सपोज करो किसी रिएक्शन का डेल्टा एन जी जीरो है, तो डेल्टा एन जी जीरो है, दूसरे केस में के पी के सी के एक्स सब इक्वल हो जाएंगे, इसलिए हो सकता है कन्फ्यूज करने के लिए वो आपको कंसंट्रेशन का इन्फॉर्मेशन दे और के पी पूछे, तो बच्चे फिर प्रेशर में कन्वर्ट करने लगते हैं। वहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं बेटा, चाहे के पी निकालो, के सी निकालो, के एक्स निकालो, सब एक ही रहेगा, डेल्टा एन जी जीरो है तो इसीलिए। तो और चूंकि डेल्टा एन जी जीरो है तो वॉल्यूम का भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे, तो ओनली मोल्स में आप सॉल्व कर सकते हैं। डैट मीन्स इस टाइप से आप मोल्स में निकाल करके डायरेक्ट मोल्स में सॉल्व कर दें, वॉल्यूम से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर है तो क्या होगा सर, तो ये भी आपको बता रखा हूँ, डेल्टा एन जी ग्रेटर होगा तो के पी आपका के सी से बड़ा हो जाएगा, और डेल्टा एन जी अगर छोटा होगा, निगेटिव आएगा, तो के पी की वैल्यू छोटी हो जाएगी के सी से। तो इससे आपको आंसर का एक आइडिया होगा। तो आई होप ये मेरा पूरा पॉइंट क्लियर होगा, हम इस पर बेस्ट अप्लीकेशन लेकर के भी आपको समझाएंगे। अगेन आई एम टेलिंग वेरी सिंपल, मोल्स के टर्म में सबको लिख लेना है, चाहे वो के सी पूछे, के पी पूछे, के एक्स, मोल्स के टर्म में लिख करके, सी पूछा है तो वन बाई वी की पावर डेल्टा एन जी, पी पूछा है प्रेशर के टर्म में तो टोटल प्रेशर बाय टोटल मोल्स की पावर डेल्टा एन जी मल्टीप्लाई कर देना है, मोल फ्रैक्शन में तो वन बाय टोटल मोल्स की पावर डेल्टा एन जी। और ये कैसे लिखना है तो ये आपको क्लियरली बता दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर वन में 2SO2 प्लस O2 गिव्स यू 2SO3 और इक्विलियम पे सबका पार्शियल प्रेशर आपको गिवन है, तो के पी पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन देख करके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उनसे गलती हो जाती है, वो क्या, वो ध्यान नहीं देते, ये किलो पास्कल में, ये किलो पास्कल में, बट ये पास्कल में, तो इसलिए ध्यान से इसको पहले किलो पास्कल में कन्वर्ट कर लो, तो कितना हो जाएगा 0.53 किलो पास्कल। किलो पास्कल में क्यों, क्योंकि वैल्यू छोटी रहेगी तो कैलकुलेशन ईजी रहेगा। और के पी पूछा है तो वेरी सिंपल, के पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ एस ओ थ्री का स्क्वायर, राइट, नीचे में प्रेशर ऑफ एस ओ टू का स्क्वायर, प्रेशर ऑफ ओ टू। अब ये वैल्यू पुट करो तो ये 43 × 43 होगा, नीचे में 45 × 45 होगा, और ये 0.53।
अब कैलकुलेशन में टाइम नहीं लेना, आपको मालूम है ये अप्रॉक्स में 1 होता राइट, बट ये वैल्यू बिग है तो ये 0.9 के आसपास ले लेंगे, ये भी 0.9 के आसपास, और ये 0.53 को अगर 0.5 लूँ तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर में 2 हो जाएगा राइट। तो आप ध्यान से देखो, तो 2 × 9 × 9 और इसका डेसिमल हटाएंगे तो 10^-2, इसीलिए सब में 10^-2 है, तो सिर्फ हमें आगे की वैल्यू से मतलब था। तो ध्यान से देखो, ये 99 द 81 81 टू द राइट 162, और वी नो कि इसके आसपास एक ही है ये राइट, ये दोनों तो पॉसिबल नहीं थे, ये 2 से ज़्यादा हो गया और ये 1.5 से भी कम हो चुका है, इसलिए ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए होंगे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम दूसरा इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। ये रिएक्शन है, अगेन केसी इसका दे दिया है, इक्विलियम पे इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, तो मोल्स ऑफ O2 बताना है। तो अगेन इक्विलियम पे वैल्यू दे दिया है, तो केसी का एक्सप्रेशन लिख दो, कंसंट्रेशन ऑफ SO3 का स्क्वायर बाय कंसंट्रेशन ऑफ SO2 का स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ O2। कभी कभी सिंपल वे में सोचने से हो जाते हैं, कुछ बच्चे इसको एक्स मान के करने लगते हैं, लेंथी हो जाता है वो, चूँकि ये दोनों इक्वल हैं तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए फायदा हो जाएगा, केसी गिवन है तो डायरेक्ट आपको यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ O2 कितना आ जाएगा, 1/10, और कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम, तो मोल्स निकालना O2 का, तो मोल्स O2 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/10 × 100, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, बाय द वे 10। तो इस टाइप से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में CO2 गैस प्लस C सॉलिड्स गिव्स यू 2CO गैस, टेम्परेचर 1000 केल्विन पे ये रिएक्शन हो रही थी, प्रेशर ऑफ CO2 0.5 ATM है, टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे, ध्यान दें इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर 0.8 ATM है, तो KP बताना है। तो आपको बता दिया यहाँ पे कि ये 0.5 से स्टार्ट हुआ, इसके बारे में कुछ नहीं, तो 0 0 राइट। उसके बाद क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम पे 0.5 में से अगर इसका मैं x माइनस करूँगा, सॉलिड है तो इसका कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये कितना बन जाएगा 2x, डायरेक्ट हम प्रेशर में सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे x निकालने के लिए आपको क्या दिया है कि टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, 0.5 माइनस x प्लस 2x शुड बी इक्वल टू कितना, 0.8, तो 0.5 प्लस x इज इक्वल टू 0.8, तो x यहाँ से कितना आ गया, 0.3 राइट। तो x 0.3 आते ही इक्विलिब्रियम पे अब ये कितना हो गया, 0.2, और ये कितना हो गया, 0.6, तो इसलिए KP क्या हो जाएगा, 0.6 का स्क्वायर ये पावर 2 चला जाएंगे, और नीचे में 0.2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 0.6 × 0.2, एक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से 2 3 द 6 3 6 द 18, तो कितना आ जाएगा, 1.8, ऑप्शन डी। तो ऐसे करना बहुत सिंपल है। सिमिलरली यहाँ पे ये रिएक्शन गिवन थी आपको, KP गिवन था, टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे बताना है, ऑप्शन गिवन है, तो देखो ध्यान से, ये हेटरोजीनियस वाले ले रखे हमने दोनों क्वेश्चन, ये सॉलिड है, ए सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किस में, 2B गैस और C गैस, ऐसे भी दे सकता है इसी रिएक्शन को, तो इसका तो कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है, पहले बता रखा हूँ हेटरोजीनियस में। अब मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर अगर मैं 2P लूँगा स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग, ये इक्विलिब्रियम पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो इसका प्रेशर कितना होगा, P, क्योंकि स्टोइकोमेट्री 2:1 का है, तो राइट। और KP क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 2P का स्क्वायर × P राइट, पावर स्टोइकोमेट्री में चले जाएंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4PQ। KP आपको गिवन था 2.9 × 10^-6 इज इक्वल टू 4PQ, इसको सॉल्व करो तो इसको 29/10, तो ये कितना हो जाएगा, 29 × 10^-6 इज इक्वल टू 4PQ, 4 से ये कैंसिल हो जाएंगे अप्रॉक्स 7 टाइम्स में, और 3 से पावर में ये 2 टाइम्स में, तो यहाँ से P कितना आ जाएगा, ध्यान दे P की पावर 3 है, तो 7^1/3 हो जाएगा, जिसको 8 ले सकते हैं, तो अप्रॉक्स में ये 2 × 10^-2 होगा। टोटल प्रेशर हमसे पूछा गया है, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, 2P + P डैट इज 3P, तो 3 × 2 × 10^-2, तो ये 6 के आसपास, ऐसा एक ऑप्शन है C, तो इस बात का ध्यान रखना, ऐसे हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ए सॉलिड गिव्स यू बी गैस सी गैस, इक्विलियम प्रेशर अगर 10 बार है तो KP बताना है। तो ध्यान से देखो, इक्विलियम पे प्रेशर अगर टोटल प्रेशर है, मेंशन नहीं किया है किसका है, तो टोटल प्रेशर है 10 बार है, तो वी नो इक्विलियम पे दोनों का प्रेशर सेम होगा, क्योंकि स्टोइकोमेट्री 1:1 है, तो अगर इसका प्रेशर x है तो इसका भी x है, तो x + x टोटल प्रेशर किसके बराबर है, 10, तो 2x हो गया 10 के बराबर, तो x कितना आ गया, 5, तो ये डी ऑप्शन मत कर देना, आपसे पूछा है इक्विलियम कांस्टेंट KP, तो KP क्या हो जाएगा, x × x राइट, डैट इज x², तो 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 25, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए।
क्वेश्चन नंबर सिक्स में H2I2 गिव्स यू 2HI, राइट? वर्ड फॉर्म में था H2 का 4.5 मोल लिया गया, I2 का भी 4.5 मोल, HI के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो जीरो था, वॉल्यूम 10 लीटर है, एक्विलियम पे HI का मोल 3 है तो K बताना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो डेल्टा एन जी जीरो है, इसलिए के KC KP KX कुछ भी हो सेम ही होगा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे आपको बताया था, इक्विलियम पे आप लिख लो 4.5 माइनस एक्स, क्योंकि स्टॉइकोमेट्री 1 है तो ये भी 4.5 माइनस एक्स, राइट? तो ये कितना बन जाएगा 2x, इस बात का ध्यान रखना है बस। अब आपको x निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है, मोल्स ऑफ HI 3 है, HI कौन है ये, तो डैट मीन्स 2x की वैल्यू 3 हो गई, तो x कितना आ गया 1.5, तो x 1.5 है तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो ये 3 हो जाएंगे, ये भी 3 हो जाएंगे और ये भी बाय द वे 3 हो जाएगा। तो हमसे k पूछा है, k क्या हो जाएगा, KC हो या KP हो या KX सेम होंगे, डेल्टा एनजी जीरो है तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाय 3, राइट? तो आंसर हो जाएगा इसका 1। क्वेश्चन नंबर 7 में ए प्लस 2B गिव्स यू 2C प्लस डी, राइट? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी इज 1.5 टाइम्स ऑफ ए, राइट? इनिशियल कंडीशन और इक्विलियम पे दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो K बताना है। अगेन K बोला क्यों, क्योंकि डेल्टा एन जी जीरो है तो KC KP KX सब सेम होंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि B का जो 1.5 टाइम्स ऑफ ए, मतलब A का अगर 1 है तो ये 1.5 है। अब आपको बता रखा हूँ रिएक्शन आगे जाएंगी, क्योंकि इन्हीं दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो अब इसमें से 1 में से अगर X करेंगे, क्योंकि स्टॉइकोमेट्री 1 है तो इसका कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 2X, इसका कितना बनेगा 2X, इसका कितना बनेगा X। कंडीशन क्या दिया है एक्स निकालने के लिए, कि बी और ए का इक्वल है, तो बी और ए का इक्वल है तो 1 माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू 1.5 माइनस 2X, इधर लिया हो तो एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा 0.5। हमने बोला था आपको एक्स निकालने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन, एक्स 0.5 होते हैं, यहाँ से ध्यान से देखो ये कितना हो गया 0.5, ये 1.5 माइनस 1 हो जाएगा तो ये भी बाय द वे कितना हो जाएगा 0.5, ये 1 हो जाएगा और ये 0.5। तो के निकालना था हमें, के क्या होगा ध्यान से देखो 0.5, राइट? पावर 1 इंटू ये पावर 2 करना नहीं बोलेंगे, बाय द वे यहाँ पे 1 है तो फर्क नहीं पड़ेगा स्टॉइकोमेट्री पावर में, ये 2 भी है तो ये वही पॉइंट कि 0.5 का पावर 2 हो जाएगा और ये इंटू में 0.5, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, तो नीचे है तो ऊपर में कितना हो जाएगा 4, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे बी। तो इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में AB2 गैस गिव यू A गैस प्लस 2B गैस, ये 25 लीटर के कंटेनर में हो रहा है इस टेम्परेचर पे, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर गिवन है, राइट? टोटल प्रेशर है, क्योंकि मेंशन नहीं किया किसका, 2 ATM KP बताना है, और 1 मोल ऑफ AB2 से स्टार्ट किया गया, राइट? ये सब गिवन था, तो यू नो T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे आप कैसे लिखेंगे बता रखा था, 1 माइनस एक्स, क्योंकि स्टॉइकोमेट्री 1 है तो इसका कितना बन जाएगा X और इसका कितना 2X। तो टोटल मोल्स अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 2X, डैट इज कितना हो गया, ये XS कैंसल तो 1 प्लस 2X, ये टोटल मोल्स हो गए हमारे पास, राइट? इक्विलिब्रियम पे हम टोटल मोल्स निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम गिवन है, तो PV इज इक्वल टू NRT से, प्रेशर कितना था टोटल 2 ATM, वॉल्यूम 25, N निकालना है टोटल, R 1/12 लेंगे कैलकुलेशन के लिए, टेम्परेचर 300, तो ये देखो 25 टू 50, 50 से ये 6 टाइम में 6 से ये 12, तो कितना हो गया N 2 मोल्स हो गए, राइट? N 2 मोल्स आ गए तो यहाँ पुट कर दो, तो 1 प्लस 2X अगर 2 के बराबर है तो यहाँ से ध्यान से देखो तो 2X कितना हो गया 1, तो X हो गया 1/2, डैट इज 0.5, तो सबके मोल्स आ गए, ये 0.5 हो जाएगा, राइट? क्योंकि X की वैल्यू ये है, ये भी 0.5 हो जाएंगे और ये 1 हो जाएंगे। KP निकालना हमें, तो चाहे KP हो या KC हो या KX, आपको बता रखा हूँ, पहले मोल्स के टर्म में लिख लो, KP मोल्स के टर्म में प्रोडक्ट में, तो 1 का स्क्वायर एक और प्रोडक्ट है तो ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में AB2 कितना 0.5, ये मोल्स के टर्म में लिख लिया, और P/NT टोटल प्रेशर कितना है 2 बाय टोटल मोल्स भी बाय द वे 2 है, राइट? और इसकी पावर क्या हो जाएगा डेल्टा NG, तो यहाँ से ध्यान से देखो तो ये कैंसल आउट ही हो जाएंगे सब, और डेल्टा NG इसका निकाल सकते हैं 2 और 1 3 में से एक गया तो 2, तो राइट बाय द वे 1 का स्क्वायर है तो आंसर कितना हो जाएगा 1, तो KP की वैल्यू हो जाएगी आपका 1। क्वेश्चन नंबर 9 में CO और H2O रिएक्ट कर रहा है तो CO2 और H2 दे रहा है, इसके 1-1 मोल लिए गए हैं, इक्विलियम पे 40%
वाटर का बायमास रिएक्ट हुआ है, ध्यान दे 40% बायमास, तो कैसे बताना है x इंटू 10 की पावर 12 तो x की वैल्यू। तो ध्यान से देखो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, 40% बायमास रिएक्ट हुआ है तो 1 मोल लिया है, तो 1 मोल का मास कितना हो गया वाटर का, ध्यान दो 18 ग्राम, 18 का 40% कितना हो जाएगा ध्यान से देखो तो 7.2 ग्राम, तो इतना तो रिएक्ट हो गया, तो बचा कितना 18 - 7.2 डैट इज 10.8 ग्राम। तो मोल्स निकाल सकते हैं 10.8 बाई 18 तो कितना हो जाएगा 0.6 मोल। ये कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम पे बचा हुआ है। अगेन लिखेंगे कैसे, वही बताया 1 माइनस एक्स इसका x और x, तो यहाँ पे 1 - x इसके बराबर है 0.6 के, कैसे क्योंकि इक्विलिब्रियम पे 0.6 मोल बचा राइट, तो यहाँ से x कितना आ गया आपका 0.4 मोल्स, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये तो 0.6 हो गया, ये भी बाय द वे 0.6, ये 0.4 और ये आपका 0.4। हमें केसी निकालना है, तो केसी का फार्मूला ये राइट सबका स्ट्रक्चर 1:1 है, तो 0.4 डिवाइडेड बाय 0.6, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, तो ध्यान से देखो 2 - 2, 3 - 2, 2 - 2, 3 राइट, तो ध्यान से देखो तो कितना हो गया 4/9। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो देखो कितना हो जाएगा 0.4 राइट, फिर से 4, तो हमें लिखना कैसे x इंटू 10 की पावर -2 में राइट, तो ये कितना हो जाएगा 44 × 10 की पावर -2, तो इंटीजर टाइप में आंसर कितना हो जाएगा 44। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा, ये सारे PYQ प्रॉब्लम थे, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जिस पे बेस आप कर सकते हो और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।